झारखंड में नियोजन नीति रद्द होने के बाद पूरी तरह से छात्रों के बीच में, बेरोजगार नौजवानों के बीच में उहापोह की स्थिति है, पशोपेश की हालत है। अब तक भी कोई क्लियर जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आगे क्या कुछ होना है। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, वो तैयारियों को होल्ड पर रखे हुए हैं कि जो पहले नियुक्तियां हो गई वो कंटिन्यू रहेंगी या नहीं रहेंगी, या नए सिरे से सब कुछ होना है। खास करके पंचायत सचिव और हाईस्कूल शिक्षकों के मामले में पिछले दिनों सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन आया, उसके बाद जो है छात्र हैं वो JSSC पहुँचे हुए हैं, यानी झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ होना है। क्योंकि जब तक मेरिट लिस्ट नहीं बन जाती है, जब तक जजमेंट की कॉपी वहां से नहीं आती है, तब तक यहां से कुछ होना नहीं है। लिहाजा तमाम क्वेरीज को लेकर के तमाम JSSC के कार्यालय में लोग पहुंचे हुए हैं। आप लोग कब से यहां पर आए हुए हैं, कब से पहुंचे हुए हैं आप लोग? हम लोग अभी तुरंत पहुंचे हैं। क्या कारण है पहुंचने का? हम लोग का TET का डीवी चल रहा है, इसलिए आए हैं। क्या पता चला है? डीवी चल रहा है, पता क्या चलेगा। अभी सेकंड शिफ्ट में डीवी है टीचर। डीवी क्या हुआ? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, बुलाया गया आप लोगों को? आज का डेट है सर, आज का डेट है। हाँ। अच्छा, तो अभी ये पता चला कि कितने दिनों में ये सब कुछ हो जाएगा? चूंकि जजमेंट की कॉपी आई कि नहीं आई, कब कुछ तब फाइनल रिजल्ट आना है? नहीं, कुछ पता नहीं चला है। इस बारे में कुछ जानकारी बता पा रहे हैं? नहीं, अभी तो भेंट नहीं हुआ, जब मुलाकात होगी तो पता चलेगा। अच्छा अच्छा, आप लोग भी आए हुए ना? जी सर। आप शिक्षक शिक्षक हुए ना? हम म्यूजिक का कैंडिडेट हैं। हाँ। हमारा 30/10/2018 को भी यहाँ डीवी हो चुका है, मतलब वेरिफिकेशन, और ये आज फिर डीवी हो रहा है म्यूजिक का। अच्छा। तो हम पुराने वाले हैं, तो हम फिर भी आवेदन के माध्यम से ये संस्था को अवगत कराने आए हैं कि मेरा पहले डीवी हो चुका है, आवेदन भी दिए हैं। अच्छा। अपना एडमिट कार्ड भी हम काउंटर पर जमा कर दिए। दोबारा हो रहा, बुलाया गया है? दोबारा नहीं बुलाया गया सर। हाँ। हमने सूचना देने आ गए कि हाँ, मेरा पहले डीवी हो चुका है। अच्छा जी, आप लोग भी किस लिए पहुंची हुई? वही TGT के मैटर से रिलेटेड हम लोग आए। क्या क्वेरी है आप लोगों से? हम लोग का ज्वाइनिंग कब तक होगा, उसी से इंक्वायरी लेने के लिए आए हैं चेयरमैन सर से। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, ये जानना सर। हाँ, मतलब वही इंक्वायरी के लिए ही आए हुए हम लोग। अभी तो कुछ क्वेरी क्लियर हुआ है कुछ? अभी गए कहाँ हम लोग? अभी नहीं, बुलाया गया है। हाँ, अभी जा रहे हैं हम लोग, अंदर जाने वाले। तो आज आप लोग तमाम लोग मिलजुल कर आए हैं या यहाँ पर बुलाया गया था? या बुलाया गया था, आज डीवी है ना। अच्छा अच्छा, आप भी आए हुए हैं? यस सर। कहाँ से आए हुए हैं? रांची से ही है प्रॉपर। क्या परेशानी है? परेशानी यही है सर कि आए हुए हैं इतने दूर से, तो हमेशा आते जाते रहते हैं घर, अगर रांची में है तो। मैटर यही कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 2 अगस्त को, उसके बाद फिर सरकार की क्लेरिफिकेशन के लिए हुई थी, उसके बाद फिर 14 तारीख को हम लोग के पक्ष में पंचायत सचिव और TET सबके सारे के पक्ष में जो रिजल्ट आया था, तो हम सभी विद्यार्थीगण यहाँ जितने भी भावुक लोग खड़े हैं, सबको चाहते हैं, और माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, चाहे JSSC के जो भी हमारे सदस्य हैं, चेयरमैन साहब हैं, उनसे अनुरोध करते हैं विद्यार्थीगण कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति को अब मुकाम तक पहुंचाया जाए, जिनकी मायूसी छात्रों में काफी दिन से बनी हुई है। नया साल में वो चाहते हैं कि थोड़ा अच्छा माहौल में जिए, बहुत दिन से तकलीफ, कोई जर जमीन बेच के, कोई बहुत पैसा वगैरह इकट्ठा करके कोर्ट में गया था, बहुत मुश्किल से हमारे पक्ष में जजमेंट आया है। अब बस सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारे पक्ष में रिजल्ट देकर हम लोगों को नया साल मनाने का अवसर प्रदान करें। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए हो भाई? उनका जिला से है। अच्छा, क्या आने का कारण? PS के लिए डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी रह गया था, उसके लिए। अच्छा, तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये गड़बड़ी है, उसको करेक्शन किया जाए। हाँ, पहले भी जमा कर दिए थे। अच्छा अच्छा, और फिर से आए। पता चल रहा कब तक मेरिट लिस्ट बनकर सामने आएगा? पता नहीं चल रहा है, वो आज सर से भेंट करेंगे फिर पता चलेगा। अच्छा अच्छा, अभी जो कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति रद्द हुई है, उसके बाद क्या छात्र क्या सोच पा रहे हैं? नियोजन नीति रद्द होने, छात्र तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से नया नीति बने जी, जल्दी से नया नीति बने और जितने भी एग्जाम हैं वो फिर से नए तरीके से फिर से एग्जाम हो, उसमें और डिले नहीं होना चाहिए। नहीं, और देरी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, जो तमाम जो छात्र हैं अपनी क्वेरीज को लेकर के, अपने सवालों को लेकर के झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय में जा रहे हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है, यहाँ पर हजारों लाखों छात्रों के जीवन, उनके भविष्य से और उनके मुस्तकबिल से जुड़ा ये विषय है। और आमतौर पर ये होता है कि JSSC में आपके से कोई अधिकारी जो है वो बातचीत नहीं करते हैं, खास करके पत्रकारों से, उनको कोई जानकारी देनी होती है तो अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने पोर्टल के माध्यम से देते हैं। लिहाजा तमाम लोग देखेंगे, तमाम लोग दूर दराज से आए हुए हैं और अपनी परेशानियों को, आप तो ये लग रहा है गार्जियन लग रहे हैं ना किसी, क्यों आए हैं आप? बच्चा मेरा मित्र है। क्या हो गया उनको?
वही मैंने कागज जांच के लिए बुलाया। कौन सा? मैंने पंचायत से चुके हैं? नहीं, शिक्षक वाला, टीजीटी वाले हैं जी। तो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जी। हाँ, क्या लग रहा है आपको, परिवार में क्या चल रहा है, बातचीत हो रही है, बच्चा क्या बता रहा है? देखिए अब क्या हो रहा है, तो लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के बाद अब तो ज्यादा दिन टाइम नहीं है। नहीं, अब तो मिल गया आपको, हो जाएगा। देरी कहाँ से हो रही है, क्या लग रहा है? देरी ऑफिस से ही हो रही है, ही हो रही है। क्या होना चाहिए गार्जियन को, जितना जल्दी हो जाए, बच्चा को परेशानी है, गार्जियन को भी परेशानी है। अच्छा, कहाँ से आना पड़ता है? दुमका से। दुमका से आए हुए हैं जी। तो आज जो वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, या खुश है? बुलाया गया है, बुलाया गया है जी। तो लग रहा है कि इस साल 2022 में कुछ आप लोगों के लिए अच्छी खबर आएगी। होगा 23 में, 22 में तो नहीं, 23 में, 23 में मिल जाएगा जी। मगर यहाँ से थोड़ा और स्पीड में काम करने की जरूरत है जी। है ना, आप में से बहुत सारे गार्जियन आए हैं जो परेशान हैं। हाँ, बहुत सब गार्जियन हैं सब। आप लोग क्या चाह रहे हैं सरकार? हम लोग चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, उसी में अच्छा ही है, लेकिन जल्दी नहीं हो रहा है, जल्दी नहीं हो पा रही है। ये देखिए, तमाम जो छात्र हैं वो अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने लोगों के बीच में बातचीत कर रहे हैं, जो क्वेरीज है उनके बीच में उसे लेकर वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि अंदर सभी को तो नहीं बुलाया जाता है, जिनको ज़रूरत होती है उनको बुलाया जाता है, उनसे उनके सवालों का जवाब दिया जाता है। लेकिन आमतौर पर जो JSSC का जो रुख होता है वो अपने वेबसाइट के माध्यम से तमाम सूचनाएँ जो हैं वो छात्रों को देते हैं। मदन जी, क्या लगता है, चूँकि सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय भी हो गया है और नियोजन नीति रद्द होने के बाद एक तरह हताशा और निराशा का माहौल भी है, वैसे इस कार्यालय से जो भी स्पष्टता है वो जल्द से जल्द हो। बहुत सारे छात्र वो कह रहे थे, कल भी हमारी बातचीत हो रही थी, जूनियर इंजीनियर के छात्र हैं, वो ये कह रहे थे कि कम से कम JSSC को ये चाहिए कि अपने वेबसाइट के माध्यम से, अपने पोर्टल के माध्यम से ये बता दे कि ये परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। अगर नहीं रद्द हुई हैं, क्यों नहीं रद्द हुई, वो बताना चाहिए। वो अभी बहुत डोलड्रम की स्थिति है। बिल्कुल, देखिए परेशानी छात्रों की यही है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी सदन से छात्रों को एक तरह से भरोसा दिलाया है, तो अब जो बातें आ रही है वो लगभग 1.5 महीने का वक्त जो है वो सरकार की तरफ से मांगा जा रहा है कि वो एक ठोस नीति लेकर के आएगी, और उसके बाद छात्रों को एक जो कहते हैं कि नियोजन की प्रक्रिया है उसको तेज करके जल्द से जल्द रोजगार दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा। तो अब सरकार, हालांकि 3 वर्ष हेमंत सोरेन की सरकार के 29 तारीख को पूरे हो रहे हैं, एक भव्य कार्यक्रम भी होने हैं, तो अब उस कार्यक्रम के दौरान किस तरह से सरकार अपनी बातों को जनता तक पहुंचा पाती है और जो युवा हैं खास करके उनको क्या तोहफा देती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन छात्र जो हैं फिलहाल वो ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द JSSC के द्वारा जो परीक्षाएं रद्द हुई है उसकी औपचारिक घोषणा वेबसाइट के माध्यम से कर दी जाए, ताकि छात्रों को ये निश्चित हो जाए कि अब ये परीक्षा जो है उनका रद्द हो चुका है, वो फिर से एक फॉर्म तैयार भरेंगे, फिर से उसके लिए आवेदन करना है, और फिर उनको जो है तैयारी करके इस प्रतियोगी परीक्षाएं में शामिल होना है। तो हम लोगों ने देखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन आया पंचायत सचिव और TGT शिक्षकों को लेकर के, उस बारे में अभी तक कहीं कहीं वहां पो है राज्य के स्तर पर या JSSC के स्तर पर कि कोई मेरिट लिस्ट तैयार नहीं हो पा रही है, पता नहीं जजमेंट कॉपी मिली है या नहीं मिली, क्या कुछ देरी का कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, सरकार की तरफ से भी इस सवाल का जवाब दिया गया था, विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र चल रहा था तो उसमें मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत सचिव को लेकर के स्पष्ट तौर पर कहा है कि जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी किए जाते हैं, कोर्ट के जो ऑर्डर हैं वो मिल जाते हैं, उसके बाद फिर 15 दिनों के भीतर जो है उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए 15 जनवरी के बाद हम कह सकते हैं कि एक बेहतर संदेश होगा, जो तोहफा है नववर्ष का वो मिलने वाला है जी। तो हम खास तौर पर JSSC कार्यालय इसी वजह से पहुंचे हैं कि पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की जो नज़र है इसी JSSC कार्यालय पर है, और यहां से एक भी अगर कोई नोटिफिकेशन, एक भी सूचना निर्गत होती है वो तमाम छात्रों को प्रभावित करती है। यही वजह है कि तमाम लोग चाहते हैं कम से कम आयोग जो है बेहतर तरीके से काम करे, क्रिस्टल क्लियर तरीके से काम करे, और बहुत लेट लतीफ़ी की वजह से बहुत से डोलड्रम की स्थिति बन जाती है। खास करके अब जूनियर इंजीनियर के जो छात्र हैं वो इन दोनों बेहद परेशान हैं। हालांकि पंचायत सचिव का जो मामला है या TGT का मामला है सुप्रीम कोर्ट से लगभग हल होता हुआ नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी जो मेरिट लिस्ट में देरी हो रही है उसके वजह से छात्र कहीं ना कहीं परेशान हैं। यही वजह है कि दुमका से, बोकारो से, दूर दराज के इलाकों से लोग यहां पहुंचे हैं और ये चाहते हैं कि JSSC जितनी जल्द से जल्द हो उनको नियुक्ति पत्र का वितरण करें। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मदन के साथ कैमरामैन राजा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। पारस HSC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HSC हॉस्पिटल रांची,